नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक है आज। यूपी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद में सुबह 11 बजे प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। नगरीय प्रशिक्षण और शोध संस्थान लखनऊ से संबंधित नियमावली को मंजूरी मिलेगी। लखनऊ में इलेक्ट्रिक बसों के कंपनी चयन को मंजूरी मिलेगी। मामले में लेटर ऑफ एग्रीमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। लखनऊ और वाराणसी की नगर निगम सीमा के विस्तार को भी मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा लखनऊ के 88 गांवों और वाराणसी के 79 गांवों नगर निगम में शामिल होंगे। गन्ना किसानों के लिए गन्ना मूल्य निर्धारण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलेगी। वहीं 5 प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ सकता है गन्ने का मूल्य। किसानों और बीपीएल कार्ड धारकों को राज्य सरकार के बीमा कवर संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। 3 SDM समेत 4 अधिकारियों को आर्थिक दंड देने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। बेसिक शिक्षा के स्कूलों में नियमावली संशोधन का प्रस्ताव पास हो सकता है। इसके तहत एडिड स्कूल में भर्ती के लिए टेट का प्रस्ताव है। NCR में मेट्रो के विस्तार को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा होम बायर्स को राहत देने के लिए अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट 1 दर्जन से ज्यादा मामलों पर विचार करेगी। कैबिनेट रिटायर्ड सहायक चकबंदी अधिकारी दल सिंगार तिवारी की अस्थायी पेंशन कटौती पर मुहर भी लगा सकती है। इसके अलावा SDM प्रयागराज जवाहरलाल श्रीवास्तव, SDM जालौन सुनील कुमार शुक्ला, SDM अयोध्या लव कुमार सिंह की 3 से 1 वेतन बढ़ोतरी रोके जाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट फैसला ले सकती है। तो ये वो मुख्य फैसले हैं जिन पर आज मुहर लगेगी। जुड़ रहे सीधे हमारे साथ में नीलेश। अब से कितनी देर बाद ये बैठक शुरू होने जा रही है और क्या कुछ हलचल चल रही है फिलहाल बैठक को लेकर? देखिए पूजा, अगर हम बात करें यूपी कैबिनेट की, तो अहम बैठक है आज। अब से कुछ देर में ये बैठक लोक भवन में शुरू होगी। मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक शुरू की जाएगी। आज की अगर हम बैठक की बात करें तो 1 दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है, मोहर लगाई जा सकती है। आज के जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव बैठक में सामने आएंगे, जिन पर चर्चा की जाएगी और मोहर लगाने की मंजूरी भी मिल सकती है, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रस्ताव है उसमें कहा जा सकता है कि किसानों का जो गन्ना समर्थन मूल्य है प्रति क्विंटल के हिसाब से 5 रुपये बढ़ाने पर भी मोहर लगाई जा सकती है। इसके साथ ही जो 3 SDM और अधिकारियों के समेत 4 अधिकारी जो हैं उनके आर्थिक दंड उनके ऊपर लगाने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ तमाम और बड़े प्रस्ताव हैं जिनको आज कैबिनेट में चर्चा की जाएगी, उन प्रस्ताव पर मोहर लगाई जाएगी। अगर हम बात करें लखनऊ नगर निगम और वाराणसी नगर निगम की, तो इनके दोनों नगर निगमों की सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल सकती है। अगर दोनों नगर निगमों की, लखनऊ और वाराणसी नगर निगम की सीमा बढ़ाई जाती है, तो लखनऊ के 88 और वाराणसी के 79 गाँव नगर निगम में शामिल होंगे, जिससे लखनऊ की नगर निगम की सीमा और वाराणसी की सीमा में काफी विस्तार होगा। इसके अलावा अगर हम प्रस्तावों पर बात करें, तो बेसिक शिक्षा नियमावली संशोधन के प्रस्ताव पर मोहर लगाई जा सकती है। अगर प्रस्ताव पर मोहर लगती है तो जो एडेड स्कूल होते हैं बेसिक शिक्षा के, उसमें जो अभ्यर्थी जाएंगे या जो शिक्षक जाएंगे उनको टेट पास करना अनिवार्य होगा। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि यूपी कैबिनेट की आज अहम और बड़ी बैठक है और अब से कुछ देर में लोक भवन में ये बैठक शुरू होगी। इसके अलावा अगर हम प्रस्तावों पर बात करें, तो लखनऊ में जो इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं उनकी कंपनी के चयन को लेकर और उनके साइन एग्रीमेंट को लेकर भी प्रस्ताव पर मोहर लगाई जा सकती है। तो तमाम आज बड़े मुद्दे हैं, जो मुद्दे आज जो है बैठक में उठाए जाएंगे उन प्रस्तावों पर मोहर लगाई जा सकती है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आज यूपी कैबिनेट की अहम बैठक है, अब से कुछ देर में लोक भवन में शुरू होगी। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। अब से कुछ ही देर बाद लोक भवन में ही कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी और लगभग 11 बजे प्रेस ब्रीफिंग होनी है इसी को लेकर। गन्ना किसानों के लिए गन्ना मूल्य के निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। 5 प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ सकता है गन्ने का मूल्य। कुछ अहम फैसले आज लिए जा सकते हैं कैबिनेट की इस बैठक के दौरान। और देखिए, आज गाजियाबाद से सुबह सवेरे बेहद दुखद घटना सामने आई, जब 8वीं मंजिल से 2 महिला और 1 पुरुष कूद गए। कृष्णा अपर सोसाइटी की 8वीं मंजिल से कूदे 3 लोग। पति और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
पति पत्नी ने कूदने से पहले अपने दोनों ही बच्चों की गला दबाकर हत्या की। पुलिस को मौके से मिला सुसाइड नोट और पैसे सुसाइड नोट में राकेश वर्मा नाम के शख्स को मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इंदिरापुरम की वैभव खंड में कृष्णा अपरा सोसाइटी है। इसी कृष्णा अपरा सोसाइटी में यह परिवार 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुआ था, दिल्ली में रहा करता था। और यादराम भारती हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार सुबह से ही। यादराम, अभी तक क्या तस्वीर साफ हो पा रही है इसके अलावा? और देखिए, इस पूरे मामले में अगर ताजा अपडेट की बात करें तो राकेश वर्मा जो है, इनका सहयोगी और रिश्तेदार भी है, उसी का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया है। और बताया ये भी जा रहा है कि रात में की आपस में बातचीत हुई थी, इसके बाद ये पूरा माहौल बना दिया। ताजा अपडेट के साथ जो गाजियाबाद के एसपी सिटी है मनीष मिश्र वो जुड़ चुके हैं। सर, क्या है फिलहाल अपडेट इस पूरे मामले? संज्ञान में आया है अभी, चूंकि मृतक रोशन के भाई भी यहाँ पर आ चुके हैं और उनके जो तो करीबी उससे पूछताछ में ज्ञात यही हुआ है कि राकेश वर्मा जिसके क्लोज रिलेशन में थे, शाहरुख थे, उनके साथ इनका कारोबार था, पैसे का लेन देन था, काफी पैसा इन्होंने लगा रखा था करीब 1.5 करोड़ के आसपास। कुछ बातें ये भी प्रकाश में आ रही है, शायद पैसा इन्होंने दूसरों से भी लेकर के इनको लगा रखा था, पैसा वापस ले नहीं गए थे। उनकी प्रॉपर्टी का शायद बात हुई थी, लेन देन की प्रॉपर्टी शायद उन्होंने दूसरे को बेच दी थी, उनके जो शाहरुख थे राकेश वर्मा ने। तो राकेश वर्मा की भूमिका इसमें बिल्कुल क्लियर कट है, जैसा कि उन्होंने विवाद पर भी राकेश वर्मा का नाम लिखा हुआ है, हम लोग को चेक भी मिले हैं राकेश वर्मा के जो इंकायश नहीं हुए हैं। और राकेश वर्मा और राकेश वर्मा के परिवार के जो भी लोग इसमें इंतजार करेंगे, गिरफ्तारी के लिए हमारे टीम में जुटी है, हम लोग शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करेंगे और जो भी अपेक्षित कार्रवाई होगी। ये अभी हम लोग सीरियार निकलवाए हैं, अनाउंसिस कर रहे हैं, जो भी चीजें निकल करके आएंगी हम लोग। वो अभी संज्ञान में चीजें आ रही हैं, मैंने बताया जैसा कि अभी हमारे लोग यूनिट की टीम भी है, अभी हमारी पूरी टीम यहीं पर मौजूद है। जो आस पड़ोस के लोग हैं वो बहुत ज्यादा बताने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि 1.5 महीने पहले अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। तो जो भी चीजें हुई हैं वो अभी हम लोग थोड़ी देर में और तहकीकात करके आपको। झिलमिल कॉलोनी बेसिकली यहाँ पर इनके भाई जो है अभी हमारे पास आए हैं, वो झिलमिल कॉलोनी में रहते हैं, ये भी वही रहा था। करीब 4-5 वर्ष पूर्व इनका आपस का बंटवारा हुआ था और उस बंटवारे में जो हिस्सा इनको मिला था इन्होंने वो भी बेच दिया था और वो पैसा भी इन्होंने राकेश वर्मा के साथ इन्वेस्ट किया था। झिलमिल कॉलोनी इन्होंने इसीलिए छोड़ दिया था, अब आगे करके यहाँ पर किराया था। साझेदारी में था कारोबार के अंदर, क्योंकि जो जींस की फैक्ट्री इनकी थी, क्या उसमें साझेदारी थी राकेश वर्मा की? राकेश वर्मा के साथ ही पूरा इन्वेस्टमेंट किया गया था। नुकसान हो गया था, प्रोजेक्ट में पैसा अटक गया था जिसके कारण पैसे लगातार जो है दोनों में अनबन चली आ रही थी, जिसको लेकर के रात में भी बात हुई है, रात में पैसे का दबाव डाला गया। राकेश वर्मा ने क्या पैसे का गबन किया था? क्या राकेश वर्मा ने धोखेबाजी की थी? क्या उसी धोखाधड़ी से परेशान होकर ये कदम उठाया गया? अभी तक ये भी कुछ स्पष्ट हो पा रहा है क्या यादराम? और राकेश वर्मा से क्या अभी तक पुलिस की बात हुई? क्योंकि जिस तरह से जिक्र हो रहा है कि ये उनका साडू था, यानी ये उनका रिलेटिव था, रिलेटिव के साथ में पूरा बिजनेस पार्टनरशिप में काम शुरू किया गया, उसके बाद जब आत्महत्या की जाती है तो राकेश वर्मा को मौत का जिम्मेदार ठहराया जाता है। सबसे पहले इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें दिल्ली के रुख करना पड़ेगा। ब्राइटनेस खुद बढ़ा लेते हैं ना भाई, ये लोग रहते थे और एक तो खुद बढ़ा लेते हैं, अवश्य है बच्चों को पकड़े मारा गया, जो है उठा हुआ। देखिए, इस पूरे के पूरे मामले के बाद में कुछ सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल यह है कि आखिरकार राकेश वर्मा नाम का शख्स है कौन? इस परिवार से राकेश वर्मा का ताल्लुक क्या है? क्या राकेश वर्मा ने ही इन्हें पैसा दिया? आर्थिक तंगी के पीछे वजह क्या थी? क्यों एक परिवार को सामूहिक आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा? सामूहिक आत्महत्या के पीछे क्या राकेश वर्मा की भूमिका है? ये भी कुछ अहम सवाल इस वक्त है।
गाजियाबाद की अपरा सोसाइटी से आया ये पूरा वाकया बेहद हैरत कर देने वाला है। सुबह लोग अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं हंसते खेलते, अपने परिवार के साथ में वक्त गुजारते हुए, लेकिन यहाँ आज एक परिवार ने ऐसा कदम उठाया जिसने सबको सख्ते में डाल दिया। एक परिवार के 5 लोग एक साथ मर जाते हैं, 2 बच्चे, पति पत्नी, 1 महिला, साथ ही साथ एक खरगोश जो पाला हुआ था वो भी, परिवार का छोटा सदस्य खरगोश भी मरता है इस पूरे परिवार के साथ में। पहले दंपत्ति अपने बच्चों को मौत की नींद सुलाता है, उसके बाद खुद 3 लोग जिनमें एक पति पत्नी और महिला 8वीं मंजिल से छलांग लगाते हैं। बालकनी में 3 कुर्सियां भी नजर आती है जिनसे नीचे छलांग लगाई गई। पहले पति पत्नी की मौत होती है, उसके बाद इलाज के दौरान जो दूसरी महिला उस घर के अंदर मौजूद थी उसकी भी मौत हो जाती है। कुल मिलाकर आज सुबह 6 मौत की खबर ने सबको सख्ते में डाल दिया है। आस पड़ोस के लोग भी इस वक्त चौंक गए हैं, सख्ते में हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार ये अचानक से सुबह हुआ क्या। इंदिरापुरम की सफायर सोसाइटी में एक बहुत दर्दनाक हादसा देखने को मिला जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। गाजियाबाद के SSP सुधीर कुमार इस समय मौजूद है। सर, क्या थी पूरी घटना, क्या हुआ? देखिए, बहुत ही दुखद घटना जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। और प्रथम दृष्टया ये 5:15 और 5:30 के बीच में सूचना मिली थी कि 3 लोगों ने 8वीं मंजिल से कूद गए हैं। पुलिस यहाँ पर पहुंची और तीनों को हॉस्पिटलाइज किया गया तत्काल, जिसमें 2 लोगों की तत्काल मौत हो गई और बाद में 1 लेडी की इलाज के दौरान बाद में मौत हो गई। फ्लैट खोलकर देखा गया तो उसमें 2 बच्चे और मृत पड़े हुए थे उस पर बेड पर, और एक खरगोश का बच्चा भी था जो वो भी मृत अवस्था में पाया गया। एक सुसाइड नोट भी वहाँ पर मिला है, दीवार पर लिखा हुआ भी उनके द्वारा मिला है, जिसमें प्रथम दृष्टया इसका कारण आर्थिक तंगी है और कुछ चेक्स भी वहाँ पर मिले हैं जो बाउंस हो गए थे और किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए थे। कुछ नाम भी उसमें सुसाइड नोट में लिखे हैं जिनके कारण उसने आत्महत्या करना बताया है। तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें कनेक्ट की जाएंगी। दीवार पे जो सुसाइड नोट था वो क्या लिखा ज़्यादा बताओ? दीवार पे कुछ उन्होंने लोगों के नाम लिखे हैं और कुछ संभवतः कुछ चेक्स उन्होंने दिए गए होंगे जो बाउंस हो गए होंगे। तो बेसिकली ये आर्थिक रूप से वो तंगी के कारण वो तनाव में प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता थे और उनके द्वारा इतना ये काम उन्होंने किया है जिसमें बच्चों की भी मृत्यु उन्होंने की। SSP बता रहे हैं कि कुछ लोगों के नाम का जिक्र है सुसाइड नोट के अंदर। और दूसरी खास बात यह है कि सबसे दुखद घटना जो ये घटी है, इसमें सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि पहले दंपत्ति ने बच्चों को मौत की नींद सुलाया, उसके बाद खुद आत्महत्या कर लेते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर 6 मौत हुई है, 5 लोगों की, यानी 5 परिवार के सदस्य और 1 खरगोश का बच्चा भी वहां पर मृत पाया गया। यानी ये मानसिक स्थिति जरा समझने की कोशिश कीजिए। बार बार मानसिक स्थिति पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एक परिवार जो कि हंसता खेलता था, जो कि दिल्ली में पहले बसा हुआ था, उसके बाद ये लोग यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद सामूहिक आत्महत्या का ये पूरा वाक्या बन जाता है। पति का नाम है प्रवीण, पत्नी थी गुलशन, फैक्ट्री मैनेजर संजना ने आत्महत्या की। साथ में आत्महत्या से पहले बेटे ऋतिक और बेटी ऋतिका को मौत के घाट उतारा गया। मामले में 5 ही लोगों की मौत हो चुकी है। अब 1 पालतू खरगोश और उसके बच्चे की भी हत्या की गई। राकेश वर्मा नाम के युवक को इस मौत का जिम्मेदार ठहराया जा रहा, जो कि इस युवक का रिलेटिव है। प्रथम दृष्टया 2 करोड़ की ये पूरा की पूरी देनदारी का विषय है, लेन देन का मामला है 2 करोड़ के। मृतक का साडू इस पूरे मामले में अभी तक इसलिए आरोपी समझा जा रहा है क्योंकि उस सुसाइड नोट में राकेश वर्मा का जिक्र है, जो कि साडू है इस युवक का। फैक्ट्री मैनेजर संजना भी इनके साथ रहती थी। सोचिए, पति पत्नी 2 बच्चे और फैक्ट्री की मैनेजर। गाजियाबाद में परिवार की सामूहिक आत्महत्या के बाद में सब सख्ते में है। दिल दहला देने वाली घटना है। सुबह सवेरे एक परिवार हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता है और उसके बाद कई सवाल उठ खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या ये लेन देन का मामला इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि जिंदगी इतनी भारी लग रही थी कि मौत को गले लगा लिया गया। अपने बच्चों को जब माँ बाप ने सोचिए मौत की नींद सुलाया होगा तो कितनी तड़प उन बच्चों की रही होगी, उसको देखने के बावजूद भी वो परिवार उन बच्चों को मौत की नींद सुलाता है, फिर खुद मौत की नींद सोता है और उसके बाद एक शख्स का नाम अपनी मौत के साथ छोड़ जाता है। रुक रहे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।
लखनऊ से कैबिनेट बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं सीएम योगी। कैबिनेट में कई मंत्री भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज बैठक होनी है और कई अहम मसलों को लेकर चर्चा भी होगी और उन पर मुहर भी लगनी है, चाहे वो गन्ने की फसलों के दाम की बात हो या फिर अन्य मुद्दों की बात हो। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी होगी और इन पर फैसलों पर मुहर भी लगेगी। कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी पहुंच चुके हैं और साथ साथ कई मंत्री भी कैबिनेट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सीएमयू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज और एसके वाजपेयी हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं। एसके, बैठक शुरू होने वाली है कुछ ही देर में या शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, यूपी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और लगभग सभी मंत्री इस कैबिनेट बैठक में मौजूद हैं और कई अहम प्रस्ताव हैं। अगर हम देखें करीब 20 के करीब में प्रस्ताव हैं जिन पर आज यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो रही है। अगर हम उसमें बात करें, नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान लखनऊ से संबंधित संशोधन नियमावली का प्रस्ताव है। लखनऊ में जो इलेक्ट्रिक बसें चलाई जानी है उसको लेकर कंपनी चयन का प्रस्ताव है कि कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो लखनऊ में इलेक्ट्रिक बसों को संचालन करेगी। साथ ही साथ लखनऊ और वाराणसी की नगर निगम सीमा को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है जिसमें करीब 88 गांव लखनऊ नगर निगम के हैं और साथ ही साथ 69 गांव वाराणसी के हैं जो कि नगर निगम की सीमा से बाहर हैं, उन पर लखनऊ और वाराणसी नगर निगम सीमा में शामिल कर उनका विकास किया जाएगा। साथ ही साथ गन्ना किसानों के लिए भी है कि प्रति क्विंटल के हिसाब से 5 रुपए का रेट बढ़ने संबंधी प्रस्ताव भी आज कैबिनेट की बैठक में है। उसके अलावा 3 ऐसे एसडीएम हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी है, आर्थिक दंड उनके ऊपर लगाया जाना है, उनसे जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। उसके अलावा किसी शिक्षा के जो स्कूल हैं उस नियमावली में संशोधन है जिसमें कई ऐसे एडेड स्कूल हैं जिसमें अब टीईटी अनिवार्य होगा, बिना टीईटी के एडेड स्कूलों में भी शिक्षक शिक्षण कार्य नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा एनसीआर में मेट्रो के विस्तार को लेकर भी जो प्रस्ताव है, तो अगर हम कहें करीब 20 प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर आज यूपी कैबिनेट में चर्चा हो रही है। कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है, सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में पहुंच चुके हैं, तो निश्चित तौर पर कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिस पर चर्चा चल रही है। 11 बजे उत्तर प्रदेश कैबिनेट के प्रस्तावों को लेकर ब्रीफिंग होगी जिसमें उन सभी प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी जाएगी जिन पर आज यूपी कैबिनेट अपनी मोहर लगाएगी। जी चले, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। एसके, तो देखिए आज कई अहम मसलों को लेकर मोहर लगनी है। कैबिनेट के कई मंत्री इस वक्त बैठक में पहुंच चुके हैं हिस्सा लेने के लिए। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू, कैबिनेट बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कैबिनेट के कई मंत्री भी बैठक में शामिल होने पहुंचे। यूपी में बीटीसी की बढ़ेगी 900 सीटें। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने यह फैसला लिया है। 5 नए जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान के भवन का जल्द निर्माण होगा। अमेठी, कासगंज, गाजियाबाद, शामली, संभल में निर्माण होगा। बलरामपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, हमीरपुर में बीटीसी कोर्स और शिक्षा प्रशिक्षण की शुरू होगी सुविधा। सभी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से दिलवाया जाएगा ट्रेनिंग। 9 डाइट बढ़ने से 900 सीटों की संख्या होगी। अब नो डाइट बढ़ने से 900 देखिए सीटों की संख्या बढ़ेगी। यूपी में बीटीसी की अब 900 सीटें बढ़ेंगी। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने यह फैसला लिया है। 5 नए जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान के भवन का जल्द ही निर्माण होगा। अमेठी, कासगंज, गाजियाबाद, शामली और संभल में निर्माण होगा। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ है। अश्विनी, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे, किस तरह से ट्रेनिंग दिलवाने को लेकर पूरे जो संस्थान है वो तैयार होंगे? निश्चित तो बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश में बीटीसी शिक्षकों की भारी कमी है, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जो 900 सीटें हैं ये बढ़ाने का सरकार ने जो शिक्षा विभाग उसने फैसला किया, जिससे 5 जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान के भवन जल्द ही निर्माण कराया जाएगा। साथ ही साथ अमेठी, कासगंज, गाजियाबाद, शामली और संभल में इस प्रकार के जो भवन है उनका निर्माण होगा।
निश्चित तौर पर आज जो जिस प्रकार से काफी डायट है उनसे स्पेस कमी है देखने को मिलती है, जिसके चलते अब पहले तो ये भवन तैयार हो गए निर्मित होंगे, उसके बाद जो 900 सीटें हैं वो बढ़ाई जाएंगी और नए शिक्षक उत्तर प्रदेश को मिलेंगे। जी चलिए बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने यह फैसला लिया और अब 5 नए जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान के भवन का जल्दी निर्माण होगा। यहां पर रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी।